ओम शांति। अभी योग को ठीक करो तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो भी प्राप्तियां गाई हुई हैं, ब्राह्मण जीवन की जो भी विशेषताएं हैं, महानताएं हैं, वो सब कुछ स्वतः ही आने लगेगी। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में, तो ऐसी प्राप्तियां एक योग के बल से ही आत्मा में आने लगेंगी। तो आज का विषय है कि हम अपने योग को कैसे अच्छा करें। तो योग में जब हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होती है, बिंदु रूप स्थिति में टिकने के लिए, बाबा की याद में स्थिर होने के लिए अगर मेहनत लगती है, व्यर्थ चलता है, मन एकाग्र नहीं होता है, मन योग में नहीं लगता है, तो उसका कारण है कि सारा दिन की स्थिति प्लेन नहीं होती है। और जब हम याद में बैठते हैं, कुछ पुरुषार्थ करने लगते हैं, तो बाबा की याद नहीं ठहरती है, क्योंकि बाबा की याद प्लेन बुद्धि में ही ठहर सकती है। इसलिए अपनी स्थिति को, बुद्धि को सबसे पहले प्लेन करो। और प्लेन कब होती है? जब हम इस संसार से उपराम हो जाएंगे। और उपराम होने के लिए दो मुख्य बातें, एक तो किसी भी बात में मेरापन ना हो, ना ही इस देह में, ना इसमें जो मेरे संस्कार हैं वो संस्कार भी मेरे नहीं, हर बात में न्यारापन, उपराम स्थिति, ये तन मन धन संस्कार बुद्धि इन सब से ऊपर उठ जाओ, क्योंकि मैंपन बहुत नुकसान करता है। इस मैंपन से, मेरेपन से संपूर्ण मुक्त हो जाओ तो आत्मा को सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव होगा। और इसी मैं और मेरेपन ने हमें अपनी संपूर्णता की स्थिति से दूर किया है। तो पहला स्टेप हमारा ये है कि मैं और मेरेपन को छोड़ते जाओ, सब कुछ बाबा को सौंप दो। ये तन मन धन संस्कार सब कुछ बुद्धि सब बाबा का। और एक बिंदु रूप स्थिति का अनुभव करो, इस देह से न्यारा उपराम बनकर चलते चलो। दूसरा स्टेप है साक्षी दृष्टा का अभ्यास, जिसके लिए बाबा ने बताया है कि ये ड्रामा हूबहू रिपीट हो रहा है। जो भी कल्प पहले हुआ या कल्प हुआ है, वही अभी हो रहा है। इसमें एक सेकंड का भी अंतर नहीं होता है। जो भी ड्रामा में नूंद है, ड्रामा एक्यूरेट चल रहा है, वो बदली नहीं हो सकता है। तो जब ये ड्रामा फिक्स है, तो फिर काहे की चिंता, काहे का कोई भी दुख, मैंपन या बुद्धि में हलचल। तो जब हम इन दो बातों को जीवन में धारण करेंगे, तो ब्रह्मा बाप समान स्वतः ही बन जाएंगे। मैं और मेरा अर्थात हर चीज के ममत्व से मुक्त,
कहीं भी मैंपन नहीं, और दूसरा साक्षी दृष्टा, ड्रामा में वही हो रहा है जो होना चाहिए, जो कलप कलप हुआ है, नथिंग न्यू। जब हम इस ज्ञान को अपने जीवन में गहरा करते जाएंगे तो हमारी उपराम स्थिति स्वतः ही बनती जाएगी, और यही ब्रह्मा बाप से हर आत्मा ने अनुभव किया। हमेशा सदा बाबा की उपराम स्थिति थी, ड्रामा में निश्चय, और मैं और मेरे पन का संपूर्ण त्याग, सूक्ष्म से सूक्ष्म त्याग। और उससे क्या हुआ, बुद्धि सदा प्लेन रही और संपूर्णता नजदीक आती गई, और ऐसा लगता था कि जैसे बाबा संपूर्ण है। और योग में हर सब्जेक्ट में बाबा बहुत आगे रहे, शक्तियों में, गुणों में, ब्राह्मण जीवन की हर प्राप्ति में, धारणा में, नेचुरल ही, सहज ही बहुत आगे बढ़ते गए। हर किसी को ब्रह्मा बाबा से संपूर्णता का अनुभव होता था, तो इसलिए खुद को हमें उपराम बनाना है। ये उपराम स्थिति हमारी बुद्धि को प्लेन बना देगी, और जब हमारी स्थिति प्लेन हो जाएगी तो सुख शांति आनंद सदा हमारे जीवन में कदम कदम पर महसूस होगा, और इस प्लेन बुद्धि में बाबा की याद निरंतर बस जाएगी। जो भी हम संकल्प करेंगे उस संकल्प में स्थित होने के लिए, वैसा स्वरूप बनने के लिए हमें मेहनत नहीं लगेगी, ना योग में मेहनत लगेगी, ना अशरीरी होने में, बिंदु बनने में, बाबा की याद में रहने में, योग में टिकने में कोई भी मेहनत नहीं होगी। सब कुछ सरल हो जाएगा, सहज हो जाएगा। बस अब मैं और मेरे पन का त्याग कर दो, सब बाबा का, शरीर से भी उपराम हो जाओ, संस्कारों से, बुद्धि से, हर प्राप्ति से, और साक्षी दृष्टा का अभ्यास बढ़ाते चलो। हर परिस्थिति को, हर सेकंड को साक्षी दृष्टा बनकर इस संसार का खेल देखते रहो, तो संपूर्ण बनने में देरी नहीं लगेगी, और योग भी शक्तिशाली हो जाएगा। इस ब्राह्मण जीवन में सर्व प्राप्तियां जो गाई हुई हैं, सब कुछ सहज ही हमारे जीवन में आ जाएगी, और सबको हमसे ब्रह्मा बाप समान अनुभव होगा। ओम शांति।